आज हम पढ़ेंगे सैफ्रॉन के बारे में, ठीक है। सैफ्रॉन जो है फ्लावर की स्टिग्मा, ठीक है। ये जो फ्लावर होता है, हम लोग जानते हैं कि जो जो फ्लावर होता है उसमें सबसे बीच में रहता है ओवरी, ठीक है। ओवरी के ऊपर रहता है सिस्टाइल और उस सबसे ऊपर स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, उसके चारों ओर एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स, ठीक है, ये फ्लावर है। तो केसर जो है, ये जो फ्लावर के सबसे बीच में जो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा रहता है, स्टिग्मा वाला पार्ट जो है, ये ड्राइड स्टिग्मा जो है, ये केसर होता है, ठीक है। इस टाइप का जो फ्लावर है, फ्लावर के बीच में ये जो स्टिग्मा होता है, बस इस स्टिग्मा वाले पार्ट जो है वही उसी को यूज़ किया जाता है मसाले के रूप में, जिसको बोलेंगे सैफ्रॉन, ठीक है। सैफ्रॉन को लोकल नेम जो है केसर, जाफरान भी बोलते हैं, जो कि अरेबिक वर्ड होता है, ठीक है, अरब का वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है योलो, ठीक है। बॉटनिकल नेम होते हैं क्रोकस सेटाइवास, फैमिली इरिडेशी, इरिडेशी फैमिली में आता है। बहुत ज़्यादा सैफ्रॉन जो होता है बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत कीमती इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो होता है लो होता है, मतलब कम प्रोडक्शन होता है और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है। हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे खाने के चीज़ों में, जैसे पुलाव, खीर, कई टाइप के मिठाई, केक, पेस्ट्री, डेयरी आइटम, चॉकलेट, कैंडी, ये सब चीज़ों में केसर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके कलर लाने में और सुगंध बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब इसका प्रोडक्शन नहीं होता, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब जगह में इसका प्रोडक्शन मेनली होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और बहुत सारे मतलब धार्मिक कामों में भी इसको यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसका जितना ज़्यादा डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, और प्रोडक्शन होने से भी क्या होगा, जैसे 75,000 फ्लावर के केवल इस पार्ट का यूज होता है, जैसे 75,000 फ्लावर के स्टिग्मा को इकट्ठा करने के बाद भी 500 ग्राम से ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने से भी केवल स्टिग्मा वाला पार्ट को इकट्ठा करने से क्या होता है कि बहुत समय लगता है और कम बनता है, बहुत एरिया में प्रोडक्शन करने के बाद भी बहुत कम बनता है, ठीक है। इसलिए सैफ्रॉन जो है बहुत ज़्यादा इसका मतलब ये होता है, जैसे गोल्ड जैसा, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती माना जाता है इसको, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सैफ्रॉन जो है एशिया में ही इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। इसके नेटिव होता है एशिया माइनर, एंड इसको कल्टीवेटेड किया जाता है इंडिया में केवल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, आजकल यूपी के कुछ जगह में भी कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, चाइना, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये फ्लावर पूरा मतलब प्लांट्स बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, पेरिनियल हार्प, पेरिनियल हार्प मतलब छोटा सा प्लांट होता है हार्प, और पेरिनियल बहुवर्षीय होता है, ठीक है। 10 से 30 सेंटीमीटर हाइट होता है इसका, ठीक है। छोटा छोटा प्लांट, जैसे प्याज लहसुन वाला प्लांट्स होता है उसी टाइप के, पतले पतले बहुत सारे रेडिकल लीव्स पाए जाते हैं, और नीचे का भाग जो होता है इसको बोलेंगे कॉर्म, ग्लोब्यूलर गोल अंडरग्राउंड बल्ब स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्याज लहसुन का नीचे बल्ब रहता है उसी टाइप का इसमें भी बल्ब होता है, बल्ब से ही होता है, ठीक है। और ऊपर के लीफ भी लिली इसी फैमिली में जिस टाइप का होता है उस टाइप का बहुत सारे रेडिकल लीव्स लगा रहता है, और सबसे ऊपर फ्लावर होता है, ठीक है। इसका फ्लावर जो होता है ब्लूइश वायलेट कलर होता है, मतलब वायलेट कलर का होता है, ब्लू लिए हुए वायलेट कलर का होता है, ठीक है। 3 स्टेमेन रहता है, 3 स्टिग्मा रहता है, इसको बोला जाता है ट्राई लोब्ड स्टिग्मा, ठीक है। ओवरी, ओवरी के ऊपर स्टाइल, स्टाइल के ऊपर जो स्टिग्मा होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, ऐसा दिखता है, तो इसको बोला जाता है ट्राई लोब्ड स्टिग्मा, ठीक है। ट्राई लोब्ड स्टिग्मा जो होता है इसी का यूज़ किया जाता है सैफ्रॉन के लिए। और जो ये स्टिग्मा होता है डार्क रेड और ऑरेंज कलर का होता है, और फनेल शेप स्टिग्मा होता है, ठीक है।
इसको कल्टीवेशन किया जाता है, ज्यादातर समर में इसको लगाया जाता है। इसके नीचे का जो बल्ब होता है इसको सॉइल के नीचे लगाया जाता है, और जो मिट्टी रहता है उसमें पानी की मात्रा अच्छा होना चाहिए, और पानी जो है वो जमा रहने से भी ये प्लांट्स अच्छे से नहीं होता, पानी निकल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा सनलाइट और गर्म एनवायरनमेंट में ये अच्छे से ग्रो करता है ये प्लांट्स। ठीक है, अब फ्लावर जो होता है, एक साल में फ्लावर बन जाता है। प्लांट्स जो है बहुवर्षी जरूर है, लेकिन फ्लावर बनने में एक साल लगता है। तो स्टिग्मा को ऑटम सीजन में स्टिग्मा को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऑटम सीजन जो होता है उसमें फ्लावर बहुत अच्छे से खिलता है, और जब फ्लावर बहुत अच्छे से खिला रहता है उसी समय स्टिग्मा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो धीरे धीरे स्टिग्मा को एक एक करके कलेक्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब होता है। ठीक है, इसके बाद सनलाइट में इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको डायरेक्ट कोई भी खाने में जो यूज़ करते हैं सुखाने के बाद उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इससे कुछ एक्सट्रैक्ट भी बनाया जाता है, जिससे टिंचर, सिरप, जेल बनाया जाता है, जो कि मेडिसिनल वैल्यू होता है जिसका बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक साल तक ही रख सकते हैं सैफ्रन को, एक साल से ज़्यादा रखने से उसका जो सुगंध होता है धीरे धीरे चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक बिटर सब्सटेंस रहता है, बिटर मतलब एक कड़वा सब्सटेंस रहता है, जिसको बोलेंगे पिक्रोक्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन सब रहता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका मेन जो एक ऑयल पाया जाता है सैफ्रन में, एक एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जिसका नाम है सैफ्रेनॉल, सैफ्रेनॉल। इस सैफ्रेनॉल के कारण ही वो जो बहुत सुंदर एक सुगंध सैफ्रन में मिलता है, वो सैफ्रेनॉल एसेंशियल ऑयल रहने के कारण ही मिलता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ पाया जाता है, जैसे क्रोशीन, क्रोसेटीन, ये सब चीज़ कलर देने के लिए, येलो कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें इसी से येलो कलर आता है, क्रोसीन, क्रोसेटीन। और स्टिग्मा जो होता है, येलो रेड कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि डार्क रेड और ऑरेंज कलर का स्टिग्मा होता है, तो जो पिगमेंट्स पाया जाता है येलो रेड कलर का, क्रोसिन एंड डाइजेंटीबायोस एस्टर के कारण होता है। ठीक है, क्रोसिन, डाइजेंटीबायोस एस्टर, क्रोसेटीन, ये सब कलरिंग एजेंट होता है जिसके कारण येलो कलर होता है। ठीक है, ये जो कलरिंग एजेंट होता है क्रोसिन और वो जो डाइजेंटीबायोस एस्टर, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाया जाता है इसमें। ठीक है, बहुत से मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाया जाता है। तो सैफ्रन, इस टाइप से सैफ्रन जो होता है इसका यूज़ हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे खाने, अच्छे अच्छे खाने में, जैसे पुलाव, खीर, स्वीट, केक, पेस्ट्री, डेयरी आइटम, चॉकलेट, कैंडी, ये सब में किया जाता है, बिरयानी में किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि सैफ्रन का ज़्यादा यूज़ पॉइजनस होता है। बहुत कम मात्रा में देने से ही बहुत अच्छा सुगंध और बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। ठीक है, 1996 में एक स्पेनिश साइंटिस्ट, उसने सैफ्रन में ऐसा देखा कि उसके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। वो बोले कि ह्यूमन का जो ट्यूमर सेल्स होता है उसको बढ़ने नहीं देता सैफ्रन के यूज़ से। ठीक है, सैफ्रन के यूज़ से ट्यूमर सेल्स जो है उसको बढ़ने नहीं देता है। तो इसके कारण ये जो है क्यों ऐसा होता है कि इसमें कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स जो पाया जाता है क्रोशिन, इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, उस वही साइंटिस्ट 1999 में फिर टेस्ट रिसर्च करके बताया कि क्रोशिन जो है वो कोलोन के, कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जो कैंसर होता है उसके डेवलपमेंट को भी रोकता है, उसको भी बढ़ने नहीं देता। ठीक है, इस टाइप से सैफ्रन का मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सैफ्रन कॉम्प्लीट हो जाता है।